तस्वीरें आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे की, हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और गाड़ी जो चेक की जा रही है वो पूरी तरह से टूटी हुई है। गाड़ी में शराब की बोतल भी है और साथ ही साथ गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। गाड़ी में पुलिस की वर्दी है, जो गाड़ी चालक है वो पुलिस कर्मी है या कोई और है इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अभी चेकिंग की जाएगी, जांच की जाएगी। गाड़ी का नंबर है HR08Q8491 और फोर्ड गाड़ी है। आप देख सकते हैं ये पुलिस कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, शायद पुलिस के ही कर्मचारी हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं उठाया जा रहा है उन्हें, डबल स्टार हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, दो एक्सीडेंट करके आए हैं ऐसा बताया गया है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आराम करते हुए नजर आ रहे हैं और बात करेंगे जो पुलिस मौके पर पहुंची है उनसे भी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं ईश्वर सिंह इनका नाम है और डबल स्टार जो यानी कि सब इंस्पेक्टर होता है वो वर्दी है। ईश्वर सिंह जी शराब पी रखी है आपने? ईश्वर सिंह जी शराब पी रखी है? हैं, लग तो रहा है शराब की बोतल भी पड़ी है। ईश्वर सिंह जी बात बता, अच्छा शराब पी रखी थी आपने? अच्छा शराब भी पी रखी थी आपने? है दो एक्सीडेंट कैसे हो गए? दो एक्सीडेंट कैसे हो गए ईश्वर जी? है पुलिस तो कहती है शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, आप खुद एक्सीडेंट नहीं किया। अच्छा तो शराब तो पी रखी है? जबरदस्ती हो रही है, थोड़ी सी शराब तो पी रखी है, मतलब ही कोने हैं, चलवा करवा ले मेडिकल करवा ले। मेडिकल पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पुलिस मेडिकल करवाएगी और जो वर्दी यानी कि जूते होते हैं पुलिस के वही। आप पुलिस कर्मी है? पुलिस कर्मी नहीं है? सब इंस्पेक्टर नहीं है? आप कौन से थाने से हैं? कौन से थाने से हैं आप? अरे मैं कहीं से नहीं हूँ, मैं इसमें बैठा हूँ घाटे में। विकास भाई कौन से थाने से हैं आप? कहीं से नहीं हूँ मैं। नहीं पुलिस कर्मी तो हैं आप? ना ना ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ तो बोल रहे हैं। नहीं मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, एक्सीडेंट कर रखी है ना दो आपने? मतलब यहाँ खड़े हैं, उसका एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल में। हाँ करा दिया उसका। नहीं नहीं कहाँ मैं पिट रखा हूँ तो मैं पीट नहीं रखा, आपकी गाड़ी टूटी हुई है दो बार एक्सीडेंट हुआ है आपको, आपको होश भी नहीं है। अच्छा दो एक्सीडेंट कर रखा क्या? कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ मेरे पास फोन आया था मेरे बेटे का कि कोई बेचारा उठा के लाया अपनी धारा में, अभी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और इस नंबर से आप वहाँ पहुँचो मधुबन के पास, ये एक्सीडेंट दो करके आया, फिर हमने यूँ यहाँ देखे भाई यहाँ गड्डी खड़ी है इसकी और यूँ बाहर पड़ा था, अंदर बढ़ाया मारना इसी उसमें, फिर इसकी वर्दी देखी अंदर मिली, दारू की बोतल भी अंदर मिली और इसने ये बोला मारो को जो थरपन दो कर लो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं पुलिस में हूँ, मेरा फलाना राणा जान का दो एक्सीडेंट करके आया, ये दो एक्सीडेंट करके आया, पहले ये लेडीज मेरे बेटों को पंचा गई हॉस्पिटल में, यही मेरे को यहाँ लाई भाई वो अभी आता ही होगा। शराब भी रखी है? फुल शराब भी रखी है, पेशाब भी कर रखा है पेंट में। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ईश्वर सिंह जी हैं, शराब में धुत हैं, गाड़ी में शराब भी मिली है और पुलिस अब मौके पर पहुंच गई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पुलिस से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन शराब की बोतल हम आपको दिखा देते हैं, ये वर्दी हम आपको दिखा देते हैं, ईश्वर सिंह सब इंस्पेक्टर टू स्टार है और शराब की बोतल भी यहाँ है, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से गाड़ी की चकनाचूर है। जो यहाँ पर 112 के कर्मचारी पहुंचे हैं उनसे हम एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, मेडिकल करवाएंगे आप इनका, क्या क्या कुछ हुआ बता दीजिए एक बार। क्या नाम है आपका? रामदिया जी। रामदिया जी क्या कुछ हुआ एक सेकंड? अभी हमें पता चला था भाई एक्सीडेंट कर दिया मोटरसाइकिल वाले के साथ, तो आए हैं मौके पे, अब इनको चौकी में लेके जाएंगे। एक कौन है ये? अब पुलिस वाला बता रहे हैं, पुलिस वाला है, पुलिस की ड्रेस भी डाल रखी है, ड्रेस गाड़ी में पड़ी है, दारू भी पी रखी है, नशे में है,
हाँ नशे में तो है, मेडिकल हो जाएगा इसका, भी होगा। दो एक्सीडेंट किए हैं? हाँ दो एक्सीडेंट किए। गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ है? हाँ टूटा हुआ है, मोटरसाइकिल वाले के साथ। मेडिकल कराया जाएगा? हाँ चौकी वाले कराएंगे मेडिकल। पुलिस तो कहती है शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अब क्या कह सकते हैं, दुनिया पीती है। चलान भी काटा जाएगा? हाँ चलान भी। ईश्वर सिंह है, कौन से थाने में है ये जानेंगे। ईश्वर जी कौन से थाने में हो? कहीं नहीं हूँ मैं। ड्यूटी से रिजाइन दे दिया आपने? रिजाइन दे क्या, रिटायरमेंट हूँ मैं। नहीं नहीं आपकी एज तो है नहीं साथ। रिटायरमेंट हूँ भैया। गाड़ी में कैसे आपकी गड्डी वो वैसे थी यार। क्या हुआ सच सच बता दो ना, क्या हुआ? सच के हो यार, सच तो था मेरे लिए जबरदस्ती कर रहे हो। बताओ ना क्या हुआ। मेरे अन्ना कुछ नहीं करे मेरे भाई, शराब कुछ नहीं। नो नो नो। एक पैक लगाया? नहीं। दो पैक? नहीं मतलब नहीं। मेडिकल करवा ले, चल करा ले, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं, एक तो शराब पी रखी है, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं, और फिलहाल जो चश्मदीद है वो बताते हुए नजर आए। आंटी जी क्या कुछ हुआ? हम टोल प्लाजा पे खड़े थे बस ताड़ा पे, इसने पीछे से आके गाड़ी ठोकी। हमने टोल प्लाजा वालों को बोला भाई गाड़ी साइड में लगवा दो, इसने गाड़ी लेके वहाँ भगा दिया। टोल प्लाजा वाला गाड़ी लेके भाग गया। जैसे मधुबन खत्म होते इसने एक बाइक वाले को टक्कर मारी, लड़के को, उसको लेके हमने अमरीधार में लेके जा रहे, गाड़ी यहाँ मिली हमें। अभी बोलता हमें धमकी दे रहा, जो मर्जी करा लो, जहाँ मर्जी लेके जाओ। पुलिस में ड्रेस पड़ी, दारू की बोतलें पड़ी है, ड्रिंक करी हुई है। अभी हमने अपनी गाड़ी रोकी, स्टेयरिंग पे सिर लगा हुआ था इसका। फिर मैंने बेटे को बोला इसकी चाबी ले लो बाइक गाड़ी की, और पहले बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा। कितने एक्सीडेंट किए हैं इन्हें? दो एक्सीडेंट किए, हमारी गाड़ी का किया, फिर दूसरे को बच्चे को हॉस्पिटल भेजा हमने। बाइक पे टक्कर मारी? हाँ जी बाइक पे टक्कर मारी, बिल्कुल डिवाइडर के पास पड़ा हुआ था लड़का। आपका नाम? मेरा नाम सुमित्रा। तो आप देख सकते हैं तमाम जो चश्मदीद हैं वो मौके पर हैं, और उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ईश्वर सिंह ने शराब पी रखी है। पुलिस कर्मचारी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, किस थाने में ये नहीं बताया, और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ईश्वर सिंह की हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस लगातार कहती है कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन पुलिस कर्मचारी ही शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, दो दो एक्सीडेंट करते हैं और यहाँ पर घायल कर देते हैं लोगों को। आप देख सकते हैं गाड़ी के दोनों जो शीशे हैं, साइड के शीशे वो टूटे हुए हैं। जो एक डंडा होता है पुलिस के पास, वो डंडा भी यहाँ पर है, और वर्दी भी यहाँ पर है, और जो जैकेट है वो भी यहाँ पर है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्या कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी वो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि मामला अपने आप में काफी संगीन हो जाता है, काफी समझने वाला हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब पुलिस लगातार इस बात पर जोर देती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी है, तो फिर शराब पीकर गाड़ी क्यों चलाई जाती है, इतना हंगामा बरपा है। क्योंकि दो लगातार एक्सीडेंट करने के बाद, एक बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर, एक मधुबन के पास, इनके बेटे को टक्कर मारी। बाइक पर बेटा सवार था, अब उसे अमृतधारा में भर्ती करवाया है, और ये देख सकते हैं SHO पहुंच गए हैं, शायद मधुबन थाने की जो टीम है वो भी पहुंच गई है। ईश्वर सिंह जी अब तो पुलिस भी आ गई, अब मेडिकल करवाओगे? मैं करवा लूंगा, ना करा लूंगा तो अकेले तेरा काम थोड़ी है यू। नहीं आप तो कहते हो शराब पीकर गाड़ी ना चलाओ, आप तो चलान करते हो लोगों के। ईश्वर जी ये देखिए कितनी जबरदस्ती करते हुए यहाँ नजर आ रही है, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, और फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई करेगी। SHO मधुबन थाने की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, साथ ही साथ 112 की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है, और मधुबन थाने की टीम से भी बात करेंगे, किस थाने में है ईश्वर सिंह ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। मधुबन थाने से आए हैं जनाब आप? मधुबन थाने से आए, क्या क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जानकारी मिली? अभी हमें पता लगा था फोन से भाई, ना एक गाड़ी एक्सीडेंट करके भाग गया है, तो इन्होंने हमारी गाड़ी में राउंड अप किया और इसको पकड़ाया है।
अब इसको गाड़ी को ले जा रहे हैं थाने, उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी ना हम उनमें। पुलिस कर्मी है ये पता नहीं अभी। शराब की बोतल वो अभी चेक नहीं किया, चेक करने एक बार देख लो तो ज्यादा कर लेंगे। मेडिकल करवाया जाएगा, मेडिकल करवाया जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आपका शुभ नाम? देवेंद्र। तो आप देख सकते हैं मधुबन थाने से टीम पहुंची है, यहाँ पर और भी तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार हम आपको गाड़ी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो आप देख सकते हैं मधुबन थाने की जो टीम है वो गाड़ी की चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। HR08Q8491 गाड़ी का नंबर है। गाड़ी आप देख सकते हैं आगे से टूटी हुई जरूर नजर आ रही है, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अंदर गाड़ी के क्या कुछ है वो भी खंगालने का प्रयास किया जाएगा। शीशे पूरी तरह से टूटे हुए हैं, शराब की बोतल गाड़ी के अंदर है। आंटी जी की जो गाड़ी है ये जा रहे थे बस्तारा टोल प्लाजा से, तो उन्हें भी उनकी गाड़ी को भी टक्कर मारी जाती है। आप भी गाड़ी चला रहे थे जब बस्तारा से, क्या कुछ गाड़ी हुआ था? गाड़ी में जैसे टोल पे करने के लिए मैंने गाड़ी रोकी, पीछे जाके उसने जोर से मारी, मैंने उतर के देखा तो पीछे एक गाड़ी वाला था, पूरे नशे में धुत था। इसको मैंने उतारने की कोशिश करी, इसने गाड़ी लॉक कर ली अंदर से और गाड़ी से बाहर टोल प्लाजा के वाले वाले के कहने पर बोले गाड़ी साइड में लगा, मैं साइड में लगा के इसको बाहर निकाल लिया है। ये इसने गाड़ी रोकी नहीं, वहाँ पे जबरदस्ती गाड़ी निकाल के ले गया वहाँ से। फिर मधुबन में क्या हुआ? मधुबन में वहाँ पे हम लोगों ने पुलिस वाले को भी बोला कि आप देखो गाड़ी वाले ठोक के भाग रहा है, उन्होंने रोकी नहीं। मैंने गाड़ी इसको ढूंढने के लिए आगे लेके गया, आगे आप आगे करवाई करो, मैं आगे गाड़ी लेके आया हूँ तो एक बंदा साइड में मधुबन पुल क्रॉस करके गिरा पड़ा था, मैंने वहाँ गाड़ी रोकी। मैं भाई से पूछा, मैं भाई क्या हुआ? कहता गाड़ी टक्कर मार गया। ठीक है, तो टक्कर मारने के बाद पता मैं गाड़ी का नंबर क्या है, तो गाड़ी का 84 नंबर है, तो मैंने उसकी फोटो ऑलरेडी टोल पे खींच ली थी, तो गाड़ी का नंबर मैच किया, तो उसको लेके मैं आ रहा था। तो जब तक यहाँ पहुंचा तो यहाँ मिला उसको, यहाँ हम लोग ने रोका, यहाँ पे स्टेरिंग पे लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसको हॉस्पिटल पहुंचा के अभी हालत ठीक है। जैसे मेडिकल कराओ जी पुलिस, मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस से, इसका मेडिकल कराओ, ना फुल दारू पी रखी है, ये सड़क में पड़ा था अभी भी अपनी गाड़ी गुड्डी के पास साथ चले जाओ मेडिकल, वहाँ जाकर साथ जाकर करा लियो। और बोलो नहीं मेडिकल तो होनी चाहिए, जिसका मेडिकल तो पर्चा दर्ज होएगा, मेडिकल भी होएगा, सारा कुछ। अगर शराब पी रखी है तो कार्रवाई तो बनती है, कार्रवाई बनती है। धमकी दे रहे हैं जिनके सामने, इतने जने खड़े थे, इनको धमकी दे रहा है, मेरा जो मर्जी कर लो, जहाँ मर्जी लेके चलो, मैं चलने को तैयार हूँ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर है और पूरे मामले की कार्रवाई करेगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हंगामा बरपता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर रोष है इस बात का कि एक पुलिसकर्मी ने जो सब इंस्पेक्टर है, 2 स्टार है, उसने दारू पी रखी है, शराब पी रखी है, शराब की बोतल अंदर है और फिलहाल वो गाड़ी में बैठ गया है, सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर उसने क्या कर दिया, क्योंकि 2 एक्सीडेंट करके वो भाग जाता है, एक लड़का घायल हो जाता है जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मौके पर है, मधुबन थाना की पुलिस मौके पर है और 112 की टीम भी मौके पर पहुंची है और फिलहाल गाड़ी को लेकर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या है और देखा जाएगा कि शराब की बोतल जो अंदर मिली है, ड्रेस मिली है पुलिस की, उसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है। एक बड़ा मामला करनाल के अंदर, नेशनल हाईवे पर एक पुलिसकर्मी जो शराब पीकर चलता है, गाड़ी दौड़ाता है, बस्तारा टोल प्लाजा के पास एक हादसा कर देता है, उसके बाद मधुबन के पास एक हादसा कर देता है, बाइक को टक्कर मार देता है, घायल अवस्था में युवक को पहुंचाया जाता है अमृत धारा हॉस्पिटल और अब भी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। लोगों ने रोका, लोगों के रोकने के बाद गाड़ी रुकती है और गाड़ी जब रुकती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। लोगों की मांग है कार्रवाई होनी चाहिए, मेडिकल होना चाहिए और जो आरोपी है इस मामले में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।